Hey everyone and welcome back to the Chem Affinity. So after a long time I am making video in our YouTube channel because some restrictions are there from the YouTube side. So that's why I am unable to do make some videos. लेकिन आपको आगे बहुत सारा internship related job update के बारे में बहुत सारा जो information है वो regular basis पे आपको देखने को मिलेगा. And एक important announcement है कि 2 more members have joined our channel. So आपको regular basis पे आपको जो वीडियोस है इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. सो हमारे चैनल पे क्या खास बात है, देखो हमारे चैनल पे इंटर्नशिप के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. क्यों इंटर्नशिप के ऊपर फोकस करते हैं, देखो अगर आप इंटर्नशिप कहीं से भी कर लेते हो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी से और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट से, तो आपके जो सीवी है और रेज्यूमे है उसमें एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. उसके बेसिस पे अगर आप बाहर से पीएचडी करना चाहते हो तो वो एक फायदेमंद होगा. एंड अगर आप इंडिया से भी पीएचडी करना चाहते हो वो तो उसके ऊपर मतलब अगर आप कहीं से भी एक समर इंटर्नशिप और इंटर्नशिप प्रोग्राम कर लेते हो तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोफाइल पे. ठीक है. उसके साथ साथ अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो और अगर आपके पास कुछ इंटर्नशिप वगैरह है तो भी आपको फायदा मिलेगा. ठीक है. सो इंटर्नशिप इतना ज्यादा क्रूशियल है इसलिए हम ज्यादा फोकस करते हैं कि इंटर्नशिप के ऊपर वीडियो देने के. देखो हमारे चैनल लगभग 2 से 3 महीना बंद पड़ा था, लेकिन उस दौरान मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा कि कोई भी इंटर्नशिप रिलेटेड जो अपडेट है वो नहीं दिया. इवन जो विंटर इंटर्नशिप है उसमें बहुत सारे जो इंटर्नशिप पोजीशन आया था लेकिन कोई भी चैनल सही से अपलोड नहीं किया. ठीक है. सो आप फिक्र करने का जरूरत नहीं है, समर इंटर्नशिप हम पूरा कवर करेंगे. तो इसलिए आपको क्या करना है, हमको सपोर्ट करना है, हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करना है एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है उसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, उसके साथ साथ आपके जो फ्रेंड है उस सर्कल में भी आपको सर्कुलेट करना है इन्फॉर्मेशन. ठीक है. सो जो इंटर्नशिप अपडेट आया है वो आया है CSIR नेशनल केमिकल लैबोरेटरी के तरफ से. सो CSIR NCL एक बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में. सो अगर आप वहां से एक इंटर्नशिप करते हो तो आपकी जो सीवी है और प्रोफाइल है वो एक बहुत अच्छा बन जाएगा. ठीक है. सो क्यू CSIR NCL पुणे ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम ये कर रहा है टू एम्स और एम्स टू बूस्ट R&D सेक्शन इन द कंट्री बाई ग्रूमिंग पोटेंशियल UG एंड PG लेवल स्टूडेंट्स बाई डेवलपिंग देयर रिसर्च स्किल. ठीक है. तो आपकी जो रिसर्च स्किल है वो बढ़ाना चाहते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर कौन कौन स्ट्रीम के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए. सो केमिस्ट्री बैकग्राउंड, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल एंड फिजिक्स, पॉलीमर एंड एडवांस मटेरियल साइंस, मैनेजमेंट और भी बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. कहीं कहीं पर मैथ स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो देखना पड़ेगा. ठीक है. हर एरिया में मैथ स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते लेकिन हाँ किसी किसी प्रोजेक्ट ऐसे है कि वहां पर भी मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं. जो UG कर रहे हैं BE और BTEC कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जो PG कर रहे हैं MTEC, ME और MPharm स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पर जो साइंस बैकग्राउंड के स्ट्रीम है और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है वहाँ पर BSc और BSc ऑनर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ MSc स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पर कितना फीस देना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, देखो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है जो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर कोई भी फीस आपको नहीं देना पड़ेगा. ठीक है. सो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के दौरान, एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसके साइज 5 to 50 KB के बीच में होना चाहिए, देन सिग्नेचर चाहिए 5 to 25 KB के बीच. ठीक है. सो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर जो चार क्लासिफिकेशन है, चार क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है. मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज 2 months, तो आपको मिनिमम 2 महीने का इंटर्नशिप करना ही करना है. ठीक है. सो देखो ये जो सेमिस्टर चल रहा है उसके बाद वो खत्म होने के बाद आपके बहुत दिन तक मतलब छुट्टी रहेगा अगले सेमिस्टर तक. सो उस दौरान आपको एक इंटर्नशिप करना है, ये आपको एक टारगेट रख के मतलब चलना पड़ेगा आगे, तो ही आपको फायदा होगा नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा.
ये जो मतलब 2 सेमेस्टर के बीच आपको एक इंटर्नशिप करना है, तो आप 2 महीने आराम से वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद 12 महीने का है ये किन लोगों के लिए, जिनका प्रोजेक्ट डिजर्टेशन है मास्टर के लिए, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 12 महीने के लिए, ठीक है। और समर एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 महीने के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे अप्लाई कैसे करना है और कौन सा मतलब किसके पास अप्लाई करना है कि नहीं, उसके लिए आपको एक लिंक, मैं सारे जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आपको अप्लाई करना है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज है मैं वो दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, आपके देखो पहले आपको चूज करना है कि आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है। सपोज मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, ठीक है, सपोज मैं मान रहा हूँ, तो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री सर्च करना है। देन इसके बाद यहाँ पर सर्च करना है, ओके। देखो यहाँ पर कितने सारे जो एनालिटिकल के बैकग्राउंड के जो इंटर्नशिप पोजीशन अवेलेबल है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो 11 जो समर इंटर्नशिप और इंटर्नशिप प्रोग्राम ये आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना क्या है, डायरेक्ट अप्लाई करना है नहीं, आपको पहले डिटेल्स में जाना है एंड यहाँ पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा ये आपको देखना है। देखो एरिया ऑफ रिसर्च एनालिटिकल केमिस्ट्री, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, बेसिक एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकैटालिसिस, ये सब आपको देखना है। देन यहाँ पर देखो और एक चीज है कि जो सुपरवाइजर है और प्रोजेक्ट लीडर नेम है इनका नाम दे रखा है, तो आपको क्या करना क्या है, पहले आपको गूगल स्कॉलर पे जाना है। देन ये जो नेम है एक कॉपी करके देखना है कि रिसर्च एरिया क्या है, किसके ऊपर अभी काम कर रहा है, ठीक है, अभी काम कर रहे हैं किसके ऊपर वो देखना है। देन साइटेशन वगैरह क्या है, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं वो देखना है। देन उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो क्या करना है, एक आपको ये जो ईमेल है ईमेल पे भी आप पहले सर से बात कर दो कि सर मैं आपके जो काम है उसमें मेरा इंटरेस्ट है एंड मैं काम करना चाहता हूँ। पहले आप जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उससे आप कांटेक्ट कर लो और थोड़ा बातचीत स्टार्ट कर दो। देन उसके बाद ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से तो आप अप्लाई कर ही रहे हो, उसके पहले आप ईमेल से कांटेक्ट कर लो, उससे क्या होगा आपके जो सिलेक्शन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि मिनिमम कितने दिन का होगा कितना दिन का नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे इंटर्नशिप पोजिशन यहाँ पर निकल के आए हैं। देखो मैं सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री किया तो कितने सारे आ गया, लेकिन बहुत सारे कॉमन भी होगा मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर जो इंटर्नशिप पोजीशन है बहुत सारा आया है। तो अगर मेरा मन है कि कुछ भी कैटालिसिस वगैरह, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह अगर है, एनर्जी स्टोरेज है, एनवायरमेंटल साइंस है, ड्रग डिस्कवरी है, बहुत सारे मतलब स्ट्रीम के जो रिसर्च है उसके ऊपर इंटर्नशिप आए हैं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट रखते हो वो आप यहाँ पर सर्च करो। देन उसके बाद जो सुपरवाइजर है उनका प्रोफाइल देखो। देन उसके बाद अगर प्रोफाइल अच्छे लगते हैं, अभी रिसेंट काम देखो, रिसेंट वर्क, पहले शायद ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है सुपरवाइजर की पहले डिफरेंट फील्ड में काम किया था लेकिन अभी शिफ्ट होके न्यू फील्ड में आया है, तो अभी रिसेंट का काम देखो, ठीक है। उसके बाद अगर पसंद आए देन उसके बाद पर्सनली भी एक ईमेल करना है, देन उसके बाद ऑफिशियली भी यहाँ पर एक अप्लाई करना है, ओके। तो बहुत सारा इंटर्नशिप पोजीशन यहाँ पर है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देन उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर सिंपली एक अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप न्यू हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप देखे, एक पासवर्ड सेट कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पर लॉग इन कर लेना, ठीक है। तो मैं जस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद लॉग इन करने के बाद देखो ऐसे कुछ इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी पूरा जो डिटेल्स है किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो क्या नहीं है सब कुछ आ जाएगा। देन उसके बाद अप्लाई करना है। देन अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप जैसे है, आपके पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ,
देन एड्रेस, ये सब वगैरह पूछा जाएगा। देन उसके बाद आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सब करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांग सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करके आप कर देना, बहुत आसान है, मैं आगे नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब टाइम वेस्ट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो अगर एप्लीकेशन करने के दौरान आपको कहीं पर भी छोटा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा, यू आर द मोस्ट वेलकम इन आर कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज आर व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट है एंड बहुत ही हेल्पफुल है। आप मान सकते हो कि किसी पेपर वगैरह चाहिए तो कोई अगर DOI दे देते हैं आसानी से, इतना हेल्पफुल है कि लोग, मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल लोग उस ग्रुप में है। आप किसी प्रकार के अगर हेल्प मांगोगे तो आपको, मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो दे देंगे, ठीक है। सो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो कि इस स्टेप के बाद मेरा नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड एक और बात है, जो रामबान है, आप, मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में और किसी इसमें अप्लाई कर रहे हो, किसी सुपरवाइजर के अंडर अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, उस प्रोफेसर के, उन प्रोफेसर के पास कौन PhD कर रहा है और उनके कुछ जान पहचान है क्या, मतलब जान पहचान कोई है क्या आपके बीच में, और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर कोई है क्या। इससे अगर क्या होगा, अगर मतलब रिकमेंडेशन टाइप का कुछ हो गया, अब समझ रहे हो ना, कि अगर मेरे ग्रुप में उस उन प्रोफेसर के अंडर कोई PhD कर रहे हैं और आप कॉन्टेक्ट कर लिया, देन आपकी जो सिलेक्शन है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।